ये हमने 1 किलो गाजर पहले से कद्दूकस करके रख ली है, और उसी के साथ अगर आप 1 किलो गाजर ले रहे हो तो आपको 1 लीटर दूध लेना है, अगर आधा किलो गाजर है तो आपको आधा लीटर दूध लेना है। तो हम कुकर मैच बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो हमने कद्दूकस करी हुई गाजर को हमने कुकर में डाल दिया है, उसी के साथ हमने इसके अंदर 1 लीटर दूध डाल दिया है, और हल्का सा दूध हमने थोड़ा सा बचा ली भी लिया है थोड़ा सा। तो पहले हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें 2 छोटे चम्मच हमने घी का डाल दिया है। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में हमने 1 कप इतनी मलाई भी डाली है, इसी में दूध में थी वो, और बचा हुआ दूध भी हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसे हमें अच्छे से 3 सीटी लेना है। ये हमने 3 सीटी लगा ली है, आपको ज़्यादा सीटी नहीं लगानी, पहले 3 सीटी लगानी ताकि हमारा हलवा चिपके ना। और 3 सीटी के बाद हमने कुकर को खोल लिया। ये देखिए अब हम इसे चलाएंगे। चलाने के बाद भी हमें दिख रहा है कि इसमें दूध बचा है, तो अब हमें क्या करना है, वापस से इसको ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद हमने इसमें वापस से 3 सीटी लेना है। हमने टोटल 6 सीटी ली है। अब 6 सीटी के बाद हमने कुकर का ढक्कन निकाल लिया है, और देखिए अब इसका दूध काफ़ी कम हो चुका है। अब हम इसे ऐसे ही पकाएंगे, और इसे हमें ऐसे ही पकाना है, उसका पूरा दूध हमें अच्छे से सुखा लेंगे। और साथ ही में हमने 4 से 5 बड़े चम्मच शक्कर डाल दिए। शक्कर को अच्छे से चला लेना है। शक्कर आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, और इसे अच्छे से चलाते रहना है। और फिर उसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर का डाल देंगे, और साथ ही में हम देखेंगे हमारा दूध काफ़ी कम हो चुका है, और इसे ऐसे ही चलाते रहना है। और साथ ही में हमने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, 7 से 8 काजू बादाम लेना है, 10 से 15 हमने किशमिश ली है। किशमिश को हमने पहले से धोकर रख लिया है, और इसे हमें साथ में चलाते रहना है हलवे को। और हमने एक तवा ले लिया है, तवे में हमने 1 बड़ा चम्मच घी डालना है। घी को आपको क्या करना है, अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद जो हमने काजू के बादाम लिए थे वो डाल देना है, और किशमिश भी डाल देना, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप अपने अनुसार डाल सकते हो। और ये अच्छे से तड़क गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे हमें हलवे में डाल देना है। हलवा हमारा अच्छे से पूरी तरह से इसके अंदर का दूध जो सूख गया है, और ये गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार है। तो आप भी इस तरह से जरूर बनाकर देखें, ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।